नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिनांक 28 अप्रैल 2023 को ब्रह्मा कुमारी जी के जमशेदपुर के मुख्य सेवा केंद्र यूनिवर्सल पीस पैलेस मरीन ड्राइव सोनारी में सकारात्मक भारत आंदोलन विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में RJS मीडिया ग्रुप में टाटा नगर से सूचना केंद्र एवं स्थानीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अत्याध्मिक व सकारात्मकता के द्वारा देश और समाज में सच्ची सुख शांति की पुनः स्थापना विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राम जानकी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सकारात्मक भारत आंदोलन अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मुन्ना जी ने एवं जमशेदपुर के प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने बीके अंजू दीदी का स्वागत कर प्रोग्राम का कार्यक्रम का आरंभ किया। श्री मन्ना जी ने प्रश्न उत्तर के द्वारा अंजू दीदी जी से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, इसकी जानकारी ली तथा कोल्हान क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी के मुख्य संचालिका राजयोगिनी बीके अंजू दीदी ने 7 दिवसीय राज्य का मेडिटेशन के बारे में बताते हुए सुख शांति का आधार आत्मा सशक्तिकरण को बताया, क्योंकि वर्तमान समय में जितना विज्ञान प्रगतिशील है उतना ही अध्यात्म औद्योगिक की ओर जा रहा है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन अर्थात स्वयं चिंतन, इसलिए राजयोग मेडिटेशन अर्थात अपनी विचारधारा को सकारात्मक एवं शक्तिशाली लक्ष्य से जोड़कर रखना चाहिए और समाज की विचारधारा पर मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए मीडिया का सकारात्मक होना ही सकारात्मक भारत के आंदोलन को सफलता प्रदान करता है। स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि भी कॉन्फ्रेंस में सक्रिय रहे। बता दें कि लगभग 30 मीडिया कर्मी प्रतिनिधि भाई बहनों की तरह उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं इस कार्यक्रम के पश्चात सभी ने ईश्वर को याद किया एवं सकारात्मक वाइब्रेशन से भरे प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। हाँ तो बताइए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राम जानकी संस्थान की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जो लगभग 18 वर्षों से पूरे भारतवर्ष की यात्रा के द्वारा सकारात्मकता फैलाने की कोशिश का एक अभियान है। और ये इस संस्थान के द्वारा जितनी भी भारत में खास करके पॉजिटिविटी फैलाने वाली या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, ये लोग उसको कवर करके मीडिया के द्वारा एक सकारात्मक भारत आंदोलन का आगाज कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, कि आज के समय में हम सब चीज़ों से तो छूट गए हैं लेकिन नकारात्मकता के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो आज ये इनकी 146वीं यात्रा का अभियान का ये प्रोग्राम है, जिसमें इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को सकारात्मकता के द्वारा कैसे भारत को फिर से विश्वगुरु बनाया जा सके, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा कि मीडिया का इस कार्य में बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि मीडिया ही है जो पूरे भारत को फिर से सकारात्मक दृश्य दिखाकर सकारात्मकता की ओर ले जाकर फिर से वो विश्वगुरु बनाने के कार्य को। बीके प्रीति बहन, ये कौन सी जगह है? ये मरीन ड्राइव बिंदल मॉल के नज़दीक ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्य केंद्र है जमशेदपुर का, यूनिवर्सल पीस पैलेस, ये ब्रह्मा कुमारी का मेन सेंटर है जमशेदपुर में। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।